बीते रात को स्टेशन रोड एकेडमी स्कूल के सामने मोटर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। भुक्तभोगी के दुकान का लगभग लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सभी पार्ट्स जल गए। कहते हैं कि आग इतनी तेज थी कि अंदर एक स्कूटी थी, कहते हैं वह भी जल गई। मौके पर माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा व माले नेता नौशाद अहमद चांद पहुंचे और दुकानदार को आश्वासन दिया कि प्रशासन जल्द जांच करेगी। हाल के दिनों में जिस प्रकार सभी धर्म के अगुआ लोग और जनता ने साथ दिया है बेहतर माहौल बनाने में, उसमें यह खलल डाला है। दुकानदार ने आवेदन टाउन थाना में दिया है। रात में आग लगी है, जिस प्रकार से आग लगी जांच से पता चल जाएगा। सिन्हा ने कहा कि निश्चित बड़ा हादसा है, यदि कोई जानबूझकर कर दिया है तो ग्रीडी प्रशासन काफी है, जो आपसी भाईचारे का दुश्मन है जल्द से जल्द चिन्हित होंगे। वहीं माले नेता नौशाद अहमद चांद ने कहा कि आपसी भाईचारा का मिसाल बना है, सियासतकर्ता मध्य वर्गीय परिवार से है, सरकार मुआवजा भी देगी, ऐसे लोग को इसके लिए संबंधित अधिकारी से मिला जाएगा। आए हैं एकेडमी के सामने में, पता चला कि रात में करीब 1 बजे कोई आग लगा दी, तो कौन आग लगाया ये तो जांच का विषय है। प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा अभी गिरिडीह में बढ़ गया है। इसके पहले जो आग लगाया है वो बगल वाला ने ट्राई किया, और वो कह रहे हैं लोग चूँकि रोज़ कमाने खाने वाले हैं और आसपास के लोग ही हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई धनबाद और कोई दूसरे स्टेट से आके किया हो, छोटा छोटा दुश्मनी हो सकता है, तो वो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या है। लेकिन इस तरह से जो कर रहे हैं और लगातार सुन रहे हैं कि धमकी देके कर रहे हैं, तो इसको रोकना अति आवश्यक है, वरना इस तरह से धीरे धीरे माहौल ख़राब करने वाले कई लोग, मान लीजिए प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से पूरे गिरिडीह में अभी और आपसी भाईचारा सभी धर्मों के लोगों ने जिस प्रकार से मनाया, उसको तोड़ने के लिए, उसको एक तरह से नया रूप देने के लिए इस प्रकार के लोग जो है वो रात में किए हैं। 100% हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके, चूँकि यही लोग जो हैं जो भी हैं, इसमें हम दोषी को तो जानते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन जो भी इस प्रकार के कर रहे हैं निश्चित हम कह सकते हैं कि उसका मानसिकता जो है वो थोड़ा सा खराब है, कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा बदलने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। आज रात में एकेडमी के सामने अरबाज का पार्ट का दुकान था, इसे अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया और माहौल को ख़राब करने का काम किया। अरबाज का कहना है कि कल रात में लगभग 15 से 20 लोग आकर के हमको धमकी चमकी दिए, जिन लोगों का मकान घरियल आदि है, ये जांच का विषय है। मेरा प्रशासन से मांग है कि इस गरीब के लिए सुनवाई किया जाए और जो दोषी है उसे अरेस्ट किया जाए।